थैंक यू। स्वागत बेटा, शुरू की जाए टर्मिनोलॉजी। अब एक अरे अरे एक अरे क्या होगा कि नॉर्मली एक पूछेगा पहले से, एक पूछेगा लास्ट से। एक काम करते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं इनमें से डाउट पूछते जाइए, ताकि शुरू से एंड तक के सारे जितने भी होंगे आ जाएंगे। तो स्क्रीन पे दिखाए गए पॉइंट में से आर्बिट्रेज होता है एक प्रोसेस जिसमें हम एक ही टाइम पर किसी चीज को एक कंट्री से परचेज करते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। सपोज लोग कॉमोडिटीज में डील करते हैं। अब एक कंट्री में गोल्ड सस्ता है और एक में महंगा है, तो आपने एक कंट्री से खरीदा और सेम टाइम पे दूसरी कंट्री में भेज दिया। तो एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह पे बेचना, ये होता है आर्बिट्रेज। और जो ये काम करते हैं वो होते हैं आर्बिट्रेजर। ठीक है बेटा, यहां से बताइए बेटा। बास्केट समझते हो? टोकरी। तो टोकरी भर के शेयर्स खरीदना बेटा, ऐसे याद कर लो। जब आप बल्क क्वांटिटी में शेयर्स परचेस कर रहे हैं ना, तो उसे हम कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग। इतना से याद रखो, बाल्टी भर के, टोकरी भर के। यस बेटा, 30 शेयर्स होते हैं उसमें, नॉमिनेटेड सेंसेक्स में। सारे शेयर्स खरीदा, ऑल कंपनीज, सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदा। नहीं नहीं नहीं, 30 कंपनीज हैं, उन सबके शेयर्स खरीदना, चाहे आप एक एक ही खरीदो। लेकिन आप कितने कंपनी शेयर खरीद रहे हो? 30 के। वो आएगा बेटा यहाँ पर। चलिए इसमें से बताइए बेटा, बदला और बेटा। तो बदला बहुत सिंपल सा काम है, इसमें हम ट्रांजैक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेटा। हाँ भाई, किसी भी आप जो आपका ट्रांजैक्शन है उसको आप क्या कर रहे हो? कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और विदाउट रिसीविंग पेमेंट। नॉर्मली अपने जो खाते होते हैं वो मार्च से बंद हो जाते हैं, 1 अप्रैल से नए स्टार्ट होते हैं, तो पुराने पेमेंट आपको मार्च तक करने होते हैं। लेकिन कई बार बिना पेमेंट रिसीव किए हम उसको एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेकेंड जो सेटलमेंट पीरियड है उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बेटा ट्रांजेक्शन को, विदाउट रिसीविंग पेमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बदला। ये वाला बदला नहीं है बेटा, खून का बदला, खून। एग्जैक्टली। और बेटा जो है बेटा, कई बार क्या होता है कि पूरा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पर्टिकुलर एक शेयर नीचे आ रहा है, या पूरा मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन एक शेयर ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना, पूरा शेयर मार्केट और एक शेयर, इसके रिलेशन को, अब वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, उसको कहते हैं बेटा। जा सकता है बेटा, जब मार्केट नीचे जाता है तो कुछ शेयर ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ नीचे जा रहे होते हैं, कुछ सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, कुछ अपोजिट चल रहे होते हैं बेटा। और बोलिए बेटा। हाँ, ब्लू चिप्स जो इंडिया की स्ट्रांग कंपनीज हैं उनके शेयर से बेटा, जैसे MRF। अब MRF के शेयर को अपन क्या बोलेंगे? ब्लू चिप्स। सोचो जिस लोगों ने 1000 रुपए की प्राइस पे खरीदा होगा, 75,000 रुपए का है, और सपोज उसने 1000 के 100 शेयर खरीद लिए होंगे, और आज उसकी रेट है बेटा 75,000 × 100, किस वक्त बन गई बेचारे की। चलिए आगे बताइए बेटा, बदला और ब्लू चिप्स बता चुके हैं बेटा, बास्केट ट्रेडिंग, बदला, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अभी आ रहा है बेटा, बताते हैं आपको बेटा। जब कंपनी अपने डिविडेंड बांटने वाली होती है ना, तो उससे कुछ टाइम पहले अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अपने अकाउंट्स बुक्स को बंद कर देती है बेटा, यानी वो उसके ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकते, कैसे बटने वाला है, क्या बटने वाला है। तो वो टाइम जो होता है वो बुक क्लोजर होता है बेटा, जिसमें जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते बेटा। चलिए और बोलिए बेटा, या तो एक वर्ड लिख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसका मीनिंग ढूंढना होगा,
या फिर मीनिंग लिखा होगा आपको वर्ड ढूंढना पड़ेगा, बस यही आते क्वेश्चन इसमें 6-7 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, यहाँ बताइए बेटा। कॉल ऑप्शन में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को राइट दे रही है, जो राइट है ऑब्लाइजेशन नहीं है, तो एक पर्टिकुलर शेयर को अगर परचेज करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफाइड प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। यानी मार्केट में शेयर 100 रुपये का और हम आपको ये दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आप 80,000 को 80 रुपये में खरीद लो। यस, तो वो एक टाइम पीरियड पे खरीदने के लिए जो आपको राइट दिया गया, लेकिन ऑब्लाइजेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपको कहा गया कि आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, तो राइट है ऑब्लाइजेशन नहीं है। और बोलिए बेटा। और आपने पूछा था बेटा कंसोलिडेशन, वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए अभी, इसको हम कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे बेटा। वोडाफोन और आइडिया दोनों साथ मिलके ये बोलते हैं कि आज से वोडाफोन भी खत्म और आइडिया भी खत्म, और अपन बनाते एक नई कंपनी वी की जगह भी, तो बेटा उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। जहां पे दो एंटिटी मिलके अपने सारे एसेट किसको ट्रांसफर कर रही है, तीसरे को, तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा, कंसोलिडेशन। आ रहे बेटा, कैपिटल आपने साल भर में कितना कैपिटल गेन किया उसको उसके बिगिनिंग प्राइस से डिवाइड कर दो बेटा। बिगिनिंग प्राइस शुरुआत में कितनी थी आपके पास, आज आपके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साल की शुरुआत में कितने की थी, 100 करोड़ की, डिवाइड कर दो, यील्ड आ जाएगा बेटा कितना, कितना हुआ बेटा, 10 टाइम हो गया बेटा। और बोलिए बेटा। अरे बेटा कैपिटल बजटिंग होती है, बजट बनाना, प्लानिंग कर रहे हैं अपन, कितना खर्चा करेंगे और कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितना कैश फ्लो हमारे पास आएगा और कितना खर्चा करेंगे, तो बजट बनाना ही कैपिटल बजटिंग होती है बेटा। चलिए स्क्रीन पे दिखाया गया नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंसिव स्टॉक होते हैं बेटा, जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा होता है, तब भी आपको स्टेबल अर्निंग देते हैं बेटा। तो ऐसी कंपनीज के शेयर की पूरा मार्केट डूब रहा है लेकिन आपको स्टेबल अर्निंग मिलेगी, पूरी टीम आउट हो रही है लेकिन राहुल द्रविड़ खड़ा हुआ है। हमने ऐसे मैच देखे भैया कि पूरी टीम आउट हो गई, फिर राहुल द्रविड़ आए, दूसरे साइड आए हमारे क्या नाम था उनका, लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण, और फिर 3 दिन हो गए दोनों खड़े हुए। तो अब बॉलर वहां से भाग जाता है स्पीड से, पूरी जान लगाता है, और ये वहीं जाके, अरे यार भाई छोड़ यार क्या ही बोले तेरे को। तो वो ऐसे प्लेयर्स को पर क्या बोलते हैं, डिफेंसिव। तो वैसे डिफेंसिव स्टॉक जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा हो तभी आपको क्या मिल रही है, स्टेबल अर्निंग, तो बेटा वो होती है आपकी डिफेंसिव स्टॉक। चलिए इसमें से बताइए बेटा। बेटा हेज एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो आपके रिस्क को कम करती है बेटा, तो रिस्क कम करने की कोई भी स्ट्रेटेजी, आपको डील करनी है अमेरिका के साथ और डील करनी है 6 महीने बाद, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद डॉलर की रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, अनसर्टेनिटी है, तो आप इस कंपनी से बोलेंगे कि डील तो अपन 6 महीने बाद करेंगे लेकिन एडवांस पेमेंट आज ही ले लो, और डील कि जो रेट रहेगी वो रेट आज की डिसाइड कर दो कि आज डॉलर 80 रुपये का है, रेट फिक्स हो गई, तो 6 महीने बाद भी डील करोगे तो बेटा आपके लिए रेट तो यही लगेगी बेटा, चाहे कम हो या ज़्यादा। तो रिस्क अवॉइडिंग थ्योरी होती है हेज। और बोलिए बेटा। डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा जब एक शेयर की वैल्यू किसी और प्रोडक्ट से डिसाइड हो रही हो, जैसे मान लो कि एक इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल के शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं जब क्रूड की प्राइस कम या ज़्यादा होती है बेटा, तो उसके शेयर की प्राइस, अरे अपन ने वो पढ़ा था ना, डेराइव डिमांड,
किसी और से डिराइव्ड है, वही है डेरिवेटिव। और बोलिए बेटा, आउट ऑफ ओटीएम। बेटा बहुत अच्छी चीज है, ओटीएम दोनों तरीके में काम करेगा। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तब भी और बेचना चाहते हैं तब भी। सपोज आप शेयर बेचना चाहते हैं, आपको शेयर बेचना है और आप 25 रुपए में बेचने के लिए तैयार है शेयर को, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 20 रुपए, ये आपके लिए ओटीएम है बेटा, क्योंकि इस प्राइस पे आप बेचना नहीं चाहोगे। अब सेकंड केस है कि मुझे खरीदना है, मैं खरीदना चाहता हूँ 20 रुपए में, लेकिन उसका रेट कितना चल रहा है 25, ये भी ओटीएम है बेटा। तो अगर मैं खरीदना चाहता हूँ और रेट ज़्यादा है तो ओटीएम, बेचना चाहता हूँ लेकिन रेट कम है तो क्या बेटा, ओटीएम। आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ द मनी। चलिए नेक्स्ट बोलिए बेटा। बेटा शेयर मार्केट 9:30 बजे खुलता है, उससे पहले 15 मिनट का एक प्री ओपनिंग सेशन होता है, जिसमें आपने कल शेयर मार्केट बंद होते टाइम जो डील्स लगाई थी उसको अगर आप कुछ बदलना चाहें तो बदल सकते हैं बेटा, क्योंकि मार्केट खुलते ही वो या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा बेटा, तो वो प्री ओपनिंग सेशन होता है बेटा। और बोलिए बेटा, बेटा कॉल ऑप्शन का उल्टा पुट ऑप्शन होता है बेटा, वहां पर कंपनी ने आपको राइट दिए थे कि आप खरीदना चाहे तो खरीद ले या पर बेचना चाहे तो बेच ले बेटा, तो आपको मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस कंपनी ऑफर कर रही है, अगर आप बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन ये राइट है ऑब्लाइजेशन नहीं बेटा। कॉल ऑप्शन का जस्ट अपोजिट होता है पुट ऑप्शन। और बोलिए बेटा, हाँ बेटा किसकी, तो रिस्क के साथ तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन जुड़ा हुआ है बेटा स्टैट्स में। जितना आपका काम बढ़ता जाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपके रिस्क बढ़ते जाएंगे बेटा। सही फैक्ट है बेटा, अमाउंट तो बढ़ेगा ना बेटा, वैसे आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना बेटा उसकी, क्योंकि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आएगी और उसका मीनिंग आपको बताना है जैसे, बाकी पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। तो पुट ऑप्शन तो हो गया बेटा, इसके बाद नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, बेटा आपके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना मार्केट में कंपनी के, उसकी टोटल वैल्यू इन रुपीस, पैसे में उसकी यानी इंडियन रुपीस में उसकी जो वैल्यू है उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। चलिए नेक्स्ट बोलिए बेटा, यील्ड टू कॉल। स्टॉक स्प्लिट होता है बेटा जब कंपनी को प्रॉफिट बांटने होते हैं, डिविडेंड बांटना होता है बेटा। मान लो आपके पास 2000 का एक शेयर है और कंपनी को बांटना है प्रॉफिट, तो स्प्लिट करके शेयर को 2 कर देगी बेटा वो, तो आपके पास 2000 के 2 शेयर हो गए बेटा, यानी 2000 का क्या आ गया आपके पास प्रॉफिट। तो एक शेयर को 2 शेयर कर देना बेटा, एक शेयर को 2 शेयर, क्योंकि तो कंपनी आपको प्रॉफिट देना चाहती है डिविडेंड। तो बांटने का तरीका यह है, या तो वो आपके शेयर की वैल्यू 2-4000 कर दे या फिर एक शेयर के 2 शेयर कर दे, फायदा इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आप जब वैल्यू बढ़ेगी तो दोनों जगह वैल्यू बढ़ेगी बेटा, यहाँ भी बढ़ेगी और वहाँ भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट, बेटा जैसे आपकी एफडी होती है ना जो एक फिक्स डेट पे मैच्योर होती है, वैसे बॉन्ड्स भी एक फिक्स डेट पे मैच्योर होते हैं, फिक्स डेट पे। अगर उससे पहले आप इसको कैश करवाते हैं तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो होगा आपका YTC ओनली यील्ड। आपका टोटल प्रॉफिट जो भी है इन्वेस्टमेंट पे वो परसेंटेज में निकालोगे तो यील्ड कहेंगे बेटा इसको, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको। और बोलिए बेटा, कम मिलेगा वो तो, मैच्योरिटी पे अगर आपको 50,000 मिल रहे हैं आप पहले कैश करोगे तो 50 से कम ही मिलेगा बेटा आपको, सेम FD वाला कैसे बेटा। चलिए और बोलिए बेटा, मार्केटिंग में यहां से बोलिए बेटा,
यहां से बताइए बेटा, यहां से ब्रांड इक्विटी तो आपके ब्रांड की वैल्यू, मार्केट में आपके ब्रांड की वैल्यू कितनी है? और लॉयल्टी है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस कंडीशन में भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है क्या? जैसे आईफोन, वो कितना ही महंगा कर दे लेकिन लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। जो आईफोन यूज़र है ना, वो आईफोन यूज़ करेगा बेटा हमेशा, तो उसकी लॉयल्टी है ब्रांड के लिए। क्या बेटा? लॉयल्टी। जिसने फोर्ड की गाड़ी चला ली ना, तो बेटा किसी भी गाड़ी का एसी उसको पसंद नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग एसी किसी गाड़ी का नहीं आता बेटा। वो एक आपकी बात सही है, एग्री, लेकिन उसका मेटेरियल ज़्यादा है, लेकिन मानता हूँ। लेकिन अगर आप एसी की बात करें तो उससे खतरनाक एसी किसी गाड़ी का नहीं आता, फोर्ड एसी में सबसे बेस्ट है बेटा। चाहे बाकी पार्ट्स महंगे आते हैं लेकिन एसी का मजा है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रॉस सेलिंग, सुजल, क्रॉस सेलिंग होती है बेटा, जिसने कार खरीदी है एसेसरीज बेचना। तो नॉर्मली होता क्या है कि बेटा कार बेचने वाले जो होते हैं ना, उनसे जो एसेसरीज वाले होते हैं पूछ लेते हैं, डेटा ले लेते हैं कि किस किसने कार खरीदी, फिर उसको ऑफर करते हैं क्या एसेसरीज लगवा लो बेटा, तो वो क्रॉस सेलिंग है। और उमेश, कॉन्ग्लोमेरेट होता है बेटा, जिसमें एक कंपनी एक काम नहीं करती है, ये मैंने आपको बीसी के चैप्टर 3 में बताया था बेटा, तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी, आईटीसी कंपनी एक काम नहीं करती बेटा। चलिए और बोलिए बेटा, स्क्रीन पे दिखाए गए पॉइंट में से नेक्स्ट, यहां से बेटा नीच मार्केटिंग, गुड। सो नीच मार्केटिंग होती है जब आपके कस्टमर्स बहुत कम होते हैं बेटा, और स्मॉल कंज्यूमर ग्रुप के लिए अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा? नीच मार्केटिंग, लाइक आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस। अब इन लोगों के लिए ऐड कर रहे हो तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कितने हैं इंडिया में, तो ऐसे लोगों के लिए, कम लोगों के लिए ऐड करेंगे तो नीच मार्केटिंग है बेटा। वो मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि मार्केट को डिवाइड कर देना उनके कस्टमर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग। बेटा अब आप ट्रॉफी बेचने जा रहे हो तो आप किसको ज़्यादा फोकस करोगे बेटा? बच्चों को। और डीओ बेचने जा रहे हो तो, और झंडू माँ बेचने जा रहे हो तो, मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट में डिवाइड कर देना मार्केट को अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स। और बोलिए बेटा, प्री एम्प्टिव प्राइसिंग होती है कि स्टार्ट में जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो मार्केट में उसको कम प्राइस पे बेचती है, ताकि जो और नए आने वाले हैं बेटा वो मार्केट में ना आ पाए और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट बिके, बस तो अपने आपको जमाना है इसलिए कम प्राइस पे बेचो। और बोलिए बेटा, फिर कुछ कंपनीज प्राइस स्कीमिंग भी करती है। यहाँ पर हम शुरुआत में जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो हाई प्राइस से बेचते हैं, आईफोन लॉन्च होगा ना 1.5 लाख का मिलेगा, 6 महीने बाद वही 75,000 का हो जाएगा, तो जो कमाना था वो कमा लिया, तो अमीरों ने जो खरीद रहा था खरीद लिया, आप गरीबों को है तो 75,000 में खरीद लो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए और बोलिए बेटा, बैंकिंग में बोलिए बेटा, बेटा क्लीयरिंग हाउस फंक्शन याद है आपको? अरे एक आप जिन्हें चेक दिया था, आजकल वो ऑटोमेटिक होता है बेटा, उसके लिए बैंक को बोली होती है बेटा, बिना उनके बोले ही ऑटोमेटिक हो जाती है बेटा वो, कब सब सॉफ्टवेयर सेट है, किसका पेमेंट कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है,
दैट इज ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फंक्शन. बेटा बेटा एन्यूटी जो है बेटा यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट दैट गारंटी इनकम. आपको इनकम इतनी गारंटी दी जाती है, रिटर्न्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे. यानी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो वहां पे आपको गारंटेड इनकम मिलती है बेटा. यहाँ पे तो एन्यूटीज होती है बेटा वहाँ पे. हाँ बेटा वो शेयर मार्केट का या बैंकिंग का है बेटा. वहां तो आपने पार्ट भी तो डिवाइड किया था उसको, या आप पेमेंट कर रहे हैं और एक फिक्स पार्ट पे कर रहे हैं तो वो शेयर मार्केट का है बेटा. ये इसका है, पूछेगा तो या तो ऑप्शन इसका देगा या उसका देगा, दोनों थोड़ा दे देगा बेटा. और दोनों देगा तो खुश हो जाना बेटा, एक नंबर मिलेगा बोनस का. एडीआर जो होते हैं सुजल वो होते हैं अमेरिका में, और सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं. जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उतनी ही वैल्यू के शेयर्स आप बैंक से ले सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है बेटा, अमेरिका में. इंडिया जिससे गरीब लोग नहीं गएगा बेटा. ये डिपॉजिट रिसिप्ट होती है विच आर इक्वल टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, और ये सिर्फ ट्रेडेड का होता है यूएसए में. चलिए और बोलिए बेटा, बेसिस पॉइंट भूल गए आप. एक इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट आ गया बेटा. गुड, और बोलिए बेटा. कैप बेटा एक लिमिट होती है बेटा, जिसमें बैंक आपको ये बताता है कि अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करता है, तो अगर ऊपर गया तो इससे ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आया तो इससे नीचे नहीं आएगा. तो अपर और लोअर लिमिट जो होती है बेटा वो कैप होती है. हाँ बेटा, ब्रिज फाइनेंसिंग होती है बेटा कि जैसे आपका शॉर्ट टर्म लोन आज खत्म हो रहा है और लॉन्ग टर्म शुरू होने में 2 महीने बाकी हैं लोन मिलने में आपको, तो इस 2 महीने के लिए जो लोन दिया जाएगा ना इस गैप को भरने के लिए, दैट इज गैप फाइनेंसिंग या ब्रिज फाइनेंसिंग. और बोलिए बेटा, कैप लिमिट बेटा, अपर लोअर लिमिट. और बोलिए बेटा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है बेटा टोकन. आपने कभी प्रॉपर्टी की डील होते हुए देखा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एडवांस पेमेंट सामने वाले को दे देते हैं और डील डन कर लेते हैं. जो टोकन मनी होती है ना उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. साई देते हैं ना अपन लोग, वही बेटा. और बोलिए बेटा, यहां से कोई डाउट? यहां से यहां से चलिए यहां से बताइए बेटा. बॉटम लाइन होता है बेटा प्रॉफिट. एक फर्म का प्रॉफिट उसकी बॉटम लाइन होती है बेटा. जैसे कई बार अपन बहस कर रहे होते हैं फिर कहते हैं यार बॉटम लाइन क्या है रहे हैं, मुद्दा बताओ ना, तो वो मुद्दा प्रॉफिट, बिजनेस का मुद्दा बेटा प्रॉफिट ही होता है बेटा. सिंडिकेटेड लोन होता है जब 4-5 बैंक मिलकर एक आदमी को लोन देते हैं. जैसे अंबानी का एक बैंक में मुझे 50,000 करोड़ का लोन चाहिए, सुन के मैनेजर बेहोश हो गया, फिर उसने 10 बैंकों को इकट्ठा किया, सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और लोन दिया, तो वो सिंडिकेटेड लोन हो गया बेटा. चलिए और बोलिए बेटा, यहां से बताइए बेटा. जैसे सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट, वही है. जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वो होते हैं जब एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं. जैसे क्रूड से क्या निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो
और बोलो। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन में देखो, बॉटम लाइन में तो अपने सिर्फ प्रॉफिट देखा था ना, यहां पर आप देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना मिला, हमने पब्लिक की केयर कितनी की और अपने प्लेनेट की केयर कितनी की, तीनों के लिए हमने क्या किया, दैट इज टीबीएल। टर्न अराउंड बेटा, डूब रही है, डूब रही, डूब रही, डूब रही, अचानक से वापस सर्वाइव करने लग जाए या ग्रो करने लग जाए तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। डूबते 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 टर्न अराउंड, ऊपर जाने लग गई बेटा वो। हाँ, पब्लिक के लिए क्या किया आपने, लोगों को आपने बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस पे दिए कि नहीं दिए, एनवायरनमेंट को आपने प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, प्लेनेट के लिए क्या किया आपने, तीनों के लिए क्या किया आपने। और बोलिए बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें आपको डाउट हो, तो वो डाउट आप मुझे ऐप पर भेज देना, वैसे मैं यहीं पर ही हूँ, कभी आपको लगे कि सबने इकट्ठे कर लिए हैं डाउट और अपन को 10-15 मिनट सर से पूछना है तो मुझे क्लास में बुला लेना, मैं कभी भी आ जाऊँगा, ठीक है बेटा। और अगर एक का डाउट ही आ रहा है तो बेटा वो तो फिर ऐप पर ही भेज देना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि तो अब ये सब्जेक्ट अपना कल से मंडे से नहीं चलेगा, अपनी क्लास तो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है सब भूल गए अपन। सबसे पहले अपने जो फर्स्ट बुक है उसको वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो और वो पूरा करके इसका रिविजन स्टार्ट करो। अभी आपका टेस्ट भी आ रहा है शायद, टेस्ट कर रहा है क्या आपके पास, लॉ का है ना, हाँ, तो उसके बाद फिर अपना इको का पेपर होगा, तो तैयारी पूरी रखें, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी, इसका हो गया क्या आपका, तो फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए बेटा।